बहुत डर लग रहा है, इस हिसाब से हम गुहार लगाते हैं कि मेरे पति को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वर्तमान जिसका सरकार है, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए या नहीं, मेरे परिवार को भी नहीं तो मेरे कभी भी मेरा हत्या हो सकता है। सुशासन की सरकार में अब जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मामला भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआचक का है, जहां के मुखिया मुकेश मंडल और उसका पूरा परिवार काफी डरे और सहमे हैं। मुखिया जी की पत्नी ने बताया कि मेरे पति पर मेरे ही गांव के सरपंच जवाहरलाल यादव ने अपने कुछ गुंडों के साथ 3 बार जान से मारने का प्रयास किया। जब मीडिया में बात आई तो सरपंच आग बबूला हो गए। वो बार बार मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे हम लोग अपने ही घर में कैद हो गए हैं। वही मुखिया ने कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस कदर डरे सहमे हैं कि घर से एक कदम निकलना दूभर हो गया है। हम लोगों के घर में जो भी काम करने आता है उसे भी आने से मना कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक जनप्रतिनिधि को जिला प्रशासन किस तरह सुरक्षा प्रदान करती है। के मुखिया श्री मुकेश कुमार मंडल जी की वाइफ बोल रहे हैं, हमारे पति को बार बार धमकी दिया जा रहा है, ये 3 बार हो चुका है अटैक उन पे, और उनको जानलेवा हमला किया जा रहा है। उनको बोल रहा है कि जान से ही मार देंगे। कितना डर लग रहा है? हमको बहुत डर लग रहा है, हमको सुरक्षा की आवश्यकता है। हम एसपी साहब से गुहार लगाते हैं कि मेरे पति को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। कुछ भी हो सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। दिन दहाड़े भी धमकी देता है। मेरे भाई को कॉल करके बोला गया, तुम्हारे जीजाजी को आज बोला गया कि तुम्हारे जीजाजी को मार देंगे हम, तुम लोग क्या कर लोगे, चौक पे रहते हो तो क्या कर लोगे। हम दिन दहाड़े उनको जमार का भाई दे रहा है, दौलत उसका भाई दे रहा है, मेरे भाई को धमकी दिया कि तुम्हारे जीजाजी को मार देंगे हम। वो मुखिया बन गया तो क्या समझ लिया है, इसी तरह वो मेरे भाई को धमकी दे रहा है। बहुत डर लग रहा है। इस हिसाब से हम गुहार लगाते हैं कि मेरे पति को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। हम लोग पूरे परिवार बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बार बार धमकियां मिल रही है, आज भी धमकी मिला है मोबाइल के माध्यम से उसके भाई के द्वारा कि केस उठाओ, ये सब केस उस नहीं करना है तुमको, अन्यथा गोली मार देंगे। और 10 लाख का मांग कर रहा है वो लोग, जो कि पूरा ग्रामीण के सामने कल भी वो लोग बोला है कि 10 लाख पैसा दिलवाओ, नहीं तो किसी भी समय हम जान मार देंगे। इसीलिए हम जिला प्रशासन SSP महोदय से, DGP CMO BR सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बहुत समय में पूरा परिवार मिले हुए हैं कि सब कहीं नहीं घर से बाहर जा पा रहे हैं, उसके लिए हमेशा धमकियां मिलता है। मेरे जितने भी स्टाफ कर्मचारी जो भी हैं उन लोगों को भी धमकियां दिया जा रहा है, तुम वहाँ काम नहीं करोगे, ये वो जो होता है कि तुम लोग कभी पैर हाथ तोड़ देंगे। 2 दिन पहले भी मेरे स्टाफ को, चचेरा भतीजा को, उसको भी धमकाया घर पर जाके। इसीलिए सारा परिवार के साथ साथ पूरा गोतेरी गाँव में लोग भी माहौल तो खराब बन गया है और सब सहमे हुए हैं। जिसके यहाँ घटना हुआ वो लोग भी पूरा सहमे हुए हैं, उसके यहाँ भी शादी विवाह में बहुत नुकसान हुआ है उन लोग को भी। वहाँ पर हमारे IO जो हैं KK राय जी के द्वारा हम लोग को बुलाया गया, वहाँ घटनास्थल पर गए, जांच में आए हुए थे, और वहाँ चौधरी वो सब जो उसका प्रशासन का जो नियमावली है वो अपना कर रहे थे। उसके बाद वहाँ घटना गए, सारा बात जो घटना CL में हुई है ग्रामीण के द्वारा भी बयान दिया गया है, सारा चीज़ नोट कर लिया गया है। इसी से लास्ट बार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, SSP सर के द्वारा, DGP सर के द्वारा, CMO BR जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वर्तमान जिसका सरकार है, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया। आने वाले दिन में और किसी के साथ ऐसा घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन को इस पर काम करना पड़े। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, पूरे परिवार का लोग भी पूरा डरे हुआ है, और कोई भी हमें बाहर जाने नहीं दे रहा है अभी किसी भी काम से। कारण यही है कि जो मारपीट का जो घटना हुआ है लगातार 3 बार हो चुका है, और धमकियां भी मिल रही है। आज भी धमकी मिला है हमारे साले को कि उसको जान से मार देंगे। इसके लेके पूरे परिवार सदमा में है, और आइंदे और घटना पहले भी मुखिया लोग का TV अखबार पत्रकार में जो देख रहा है सभी हमारे फैमिली, उसके लेकर के भी सब डले हुए हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए, नहीं तो आपका भी मर्डर हो जाएगा। इसके पहले भी नीलेश मुखिया का पटना में हत्या हो चुका है। बहुत ज़्यादा डर रहा है। हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए या नहीं, मेरे परिवार को भी, नहीं तो मेरे कभी भी मेरा हत्या हो सकता है।
स्मार्ट सिटी परियोजना से सैंडिस कंपाउंड की कायाकल्प के बाद वहां कई सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इन्हीं सब के बीच सैंडिस कंपाउंड में आप बच्चों को स्केटिंग करते देख सकते हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में तकरीबन 300 बच्चे स्केटिंग सीखते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे तो सड़कों पर भी फर्राटे भरते नजर आते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, इसमें सभी लोग जमकर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। स्केटिंग आपको फिजिकली चुस्त दुरुस्त तो रखता ही है। आजकल जहां बच्चे घर में रहकर मोबाइल में अधिक बिजी रहते हैं, वहीं स्केटिंग के माध्यम से वो आउटडोर गेम में हिस्सा ले रहे हैं और मोबाइल की लत से भी दूर रहते हैं। स्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे कोच अमन कुमार ने बताया कि अब खेल में भी बच्चों का भविष्य बन सकता है। हमारे यहाँ के कई बच्चे स्टेट लेवल टूर्नामेंट में भाग लेकर मेडल जीत चुके हैं और अब वो लोग नेशनल खेलने चेन्नई जा रहे हैं। वहाँ से भी वो पदक लेकर लौटेंगे, फिर आगे इंटरनेशनल भी खेलने जा सकते हैं। हाँ, कल नेशनल के लिए बच्चे लोग निकल रहे हैं। हाँ, चेन्नई लोग का पड़ा है और 14 को रिपोर्टिंग टाइम है, 15 को उस लोग का होगा नेशनल के लिए। यहाँ से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, जिसमें कि आपका कल चारों बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे। बच्चे का नाम आराध्या है, अध्यांश है, रियांश है और दीवाना कुमार है। कितने दिनों से सीख रहे थे ये लोग आपके? ये लोग लगभग 7 से 8 महीना हुआ है, लेकिन हाँ बहुत मेहनत किए हैं ये बच्चे लोग और यहाँ तक पहुँचने में बच्चे लोग और साथ में उनके गार्जियन का भी बहुत सहयोग है। इसके पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल हम लोग खेले, उसमें मेडल प्राप्त किया सब बच्चों लोगों ने। उसके बाद फिर स्टेट लेवल जो कि आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था, अब नेशनल जो कि चेन्नई में होने जा रही है। तो नेशनल के बाद क्या इंटरनेशनल फिर गेम होता है? बिल्कुल, अगर नेशनल में बच्चे लोग अगर जीतते हैं तो उसके बाद इंटरनेशनल में भी वो लोग भाग ले सकते हैं। वहीं चेन्नई जा रहे बच्चे भी हाई जोश में दिखे और पदक लाने का भरोसा जताया। हम लोग को स्केटिंग नेशनल लेवल के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रियांश कश्यप। इसके पहले तुम कहाँ जीते, उसके बाद चेन्नई जा रही है, बताओ? मैं पहले मुजफ्फरपुर में जीता, फिर चेन्नई जाऊँगा। चेन्नई में क्या जीत कर आना है? हाँ, जीत के आना है। कैसी तैयारी है? अच्छी है। मुजफ्फरपुर में खेला, फिर पटना में और फिर चेन्नई जाने वाला हूँ। तैयारी कैसी है? सही है, इसलिए मिश्रा। अच्छा, तो इसलिए किस लिए जा रहे हो चेन्नई? जीतने के लिए। क्या है वहाँ पर? वहाँ पे कॉम्पिटिशन है। आराध्या सिंह मेरा नाम है और हम लोग चेन्नई जा रहे हैं नेशनल लेवल के लिए खेलने, स्केट। क्या तैयारी है तुम वहाँ पे? अच्छी है तैयारी। क्या उम्मीद करें हम लोग, मेडल मिलेगा? हाँ हाँ। आगे फिर इंटरनेशनल भी जाना है? हाँ जाना है। मेरा नाम दीवाना कुमार हुआ, हम 6 मंथ से यहाँ पे सीख रहे हैं और हम मुजफ्फरपुर से जीत कर आए हैं। इसके बाद हम चेन्नई जाएंगे नेशनल के लिए और वहाँ से जीत कर आना है। आगे इंटरनेशनल का प्लानिंग है। वहीं से देखते हुए परिजन अपने अपने बच्चों को भी स्केटिंग सिखाने में ज्यादा समय दे रहे हैं। वहीं बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे कोच ईसु ने बताया कि कोई भी बच्चा 3 महीने में स्केटिंग सीख सकता है और आगे इस खेल में अपना भविष्य बना सकता है। ये यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए वैसे तो मतलब 2-3 महीने मतलब काफ़ी रहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सिखा रहे तो 4 महीने लगभग हो चुके और पीछे देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब सीख रहे हैं। और इसमें ये है कि आपके पास मतलब स्केटिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो वो फास्ट होता है और बच्चे का जो डर रहता है स्केटिंग से वो भी थोड़ा सा मिट जाता है। हाँ, बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि ये सवाल आपका है, बहुत सारे पेरेंट्स मतलब ये बोले हैं खुद आकर कि हाँ ये बच्चे लोग का एक आउटडोर गेम का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा स्कोप है, जो ना केवल स्केटिंग करके बल्कि यहाँ पर कंपटीशन में भी बच्चे लोग जाते हैं। तो एक तरीके से ये एक गेम भी हो गया है और एक तरीके से मनोरंजन भी हो गया है। आगे क्या स्कोप है यहाँ सीखने के बाद? यहाँ पर सीखने के बाद हम लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कराते हैं और जो प्रिपरेशन है वो बेसिकली यहाँ पर तो वैसे उतना कुछ खास जगह नहीं है, लेकिन जो भी जगह है मतलब जो सीधा ट्रैक है वहाँ पर बच्चे लोगों का ट्रेनिंग चलता है और बच्चे लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। बच्चे लोग जो भी आना चाहते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जो भी हम लोग एक फॉर्म देते हैं और जो भी चार्जेस है वो 1500 के आसपास है और स्केट्स और सेफ्टी गार्ड आपका खुद का रहेगा। ये बैलेंसिंग के लिए तो वैसे आपको 12 दिन ही काफ़ी रहेगा, लेकिन आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए 3 महीना इनफ रहता है और 3 महीने के बाद आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में
कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। जदयू के तेज तर्रार प्रवक्ता नीरज कुमार अपने एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने उनका अंगवस्त्र और बूके देकर स्वागत किया। वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को न विशेष राज्य का दर्जा दे रही है और न किसी प्रकार की सुविधा। केंद्र के मंत्री दिल्ली में बैठकर लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जाति जनगणना पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। मौके पर जदयू के प्रवक्ता शिशुपाल भारती, सुड्डू साई, राकेश ओझा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गृह मंत्री के रूप में तो आप नाकाम है, तो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार आपके पास, जनगणना कराने की के लिए एजेंसी आपके पास, कर्मी आपके पास, आप कह रहे हैं कि हम पक्ष में हैं। अरे ये तो आपका दायित्व तो है कि आप देश के अंदर में सामाजिक आर्थिक जनगणना कराइए, और बिहार की जनगणना पर अगर जाति सर्वे पर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपको तो लज्जित होना चाहिए कि जिस काम को हमको करना चाहिए था, देश के समाज के जो वंचित तबके हैं उनकी हिस्सेदारी तय हो, इस सवाल पर आप खामोश हो जाते हैं। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर पूर्व में आपकी सरकार, विभिन्न राज्यों में आपकी सरकार, प्रधानमंत्री आपका, जनसंख्या नियंत्रण कि चुनौती के बारे में आप लगातार बहस भी करते हैं, तो एक तरफ आप शिक्षा को उसका आधार भी नहीं मानते, कहते ये जिहाद है, तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि अगर बिहार के जाति सर्वे से आपको मतभेद है तो देश भर में सामाजिक आर्थिक जनगणना करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में डालिए, राजनीति में भाषाई पैतरेबाजी नहीं, जो हमारा हक है वो हम लेकर के रहेंगे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह हाईटेक शौचालय शोभा की वस्तु बनी हुई है। निर्माण के बाद से ही यह हाईटेक शौचालय बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में रोजाना हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकरों की भीड़ लगी रहती है। शौचालय बंद होने से खासकर महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाथी के दांत की तरह जो दिखलाने वाला है, खाने वाला नहीं है, जब से लगा है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ किसी को टॉयलेट लग जाएगा तो बिना घर गए हुए कोई पहिया इनसे कपड़ा गंदा करेगा वो। तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग वहाँ से क्लियर होके आते हैं, फिर अगर लग गया तो घर जाना। हाँ, तब तुरंत घर निकलेंगे। तो परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी है, ये सिर्फ कहे ना हाथी का दांत है देखने के लिए। हाँ बस बस, इसमें गुलदस्ता लगा दीजिए, फूल रहेगा, ठीक रहेगा। क्या बोल रहे थे, जैसे ये बुजुर्ग अंकल जी बता रहे थे, तो इनको, इन लोगों के लिए तो और ज्यादा परेशानी का चीज है, क्योंकि हम तो जल्दबाजी में इधर उधर जा सकते हैं पर इनको समय लगता है। इस और ये ज्यादातर बुजुर्ग लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा चीज है, पर इसको इस्तेमाल नहीं कर पाने के कारण से लोगों को बहुत समस्या आ रहा है, बहुत परेशानी बढ़ रहा है, इसको ठीक करवाना चाहिए। और आप, हमको लगता है आपके माध्यम से आगे तक बात जाए तो ये ठीक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयलेट का निर्माण स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया है और इसका जो है टेक्निकली रूप से सभी जो है शौचालय को चालू करा दिया गया था, बट अभी हम भी जो है सो यहाँ पे मंजूषा महोत्सव का कार्यक्रम जो है अभी निर्धारित है 7 तारीख तक का, इसकी सफाई जो है सो ग्राउंड को कराने के लिए और ऐसे ट्रैक को कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं नगर प्रबंधक नगर निगम भागलपुर। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आया है, हम तुरंत ही जो है स्मार्ट सिटी के इंजीनियर जो हैं उनको हम इन्फॉर्मेशन किए हैं कि थोड़ी खराबी आ गई है, आप इसे जल्द से जल्द ठीक करवा दें। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, प्रतिदिन भीड़ काफ़ी होती है, मुझे आशा है कि जल्द ही ठीक हो जाएगा और सारी सुविधाएं जो है सो
मिलेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय प्रसाद यादव, नगर प्रबंधक नगर निगम भागलपुर। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां डिफेंस में कार्यरत फौजी शैलेश कुमार की पत्नी अलका राज को उसके अपने ही घर से सौतेले देवर ने उसे बेदखल कर दिया। तकरीबन एक साल से वो थाने के चक्कर काट रही है। जब न्याय नहीं मिला तो अपनी गुहार लगाने SSP आनंद कुमार की कार्यालय पहुंची। तब जाकर उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिसका पति देशवासियों की सेवा के लिए दुश्मनों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर तैनात है, वहीं उसकी पत्नी दरबदर की ठोकर खा रही है, कब तक उसे भागलपुर पुलिस प्रशासन न्याय दिला पाती है। जी, मेरा परेशानी यह है कि हमको लोदीपुर थाना SC ST थाना हमको कोई इंसाफ ना दिला रहे हैं और ना मेरा केस ले रहे हैं। मेरा कारण ये केस है कि मेरे ससुर जी थे, दो शादी किए थे, तो उनका सौतेला बेटा हम लोग को घर में रहने भी नहीं देता और वहाँ से भगा दिया हम लोग को, ना क्रियाक्रम में शामिल हुआ दिया, ना मृत शरीर को देखने दिया। आज आए थे, हम SP साहब के यहाँ आए थे तो SP साहब बोले कि ठीक है, हम इस पर जाँच करा के इसको हम देखते हैं। कौन थाना क्षेत्र का मामला है? मेरा लोदीपुर थाना का मामला है। क्या बोला गया था? लोदीपुर थाना में बोला कि आपको यहाँ नहीं आना है, SC ST थाना ये नहीं है, ये फॉरवर्ड थाना है। हाँ, SC ST थाना गए तो बोले कि वहाँ पे नज़दीकी थाना आपका लोदीपुर है, आप वहाँ पे जाइए। हमको यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है सर। कितने वर्षों से परेशान? हम एक साल से पूरा परेशान है। मेरा हस्बैंड डिफेंस में है, हम अकेले, हमारे सास और मेरी एक ठो बेटी रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम अलका राज हुआ। मेरा हस्बैंड का नाम शैलेश कुमार मंडल। सास का नाम बेला देवी है। ससुर का नाम हुआ स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह। ग्राम पिपरा का मामला है, थाना लोदीपुर। स्थानीय कला केंद्र में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था परिधि की ओर से विद्यालय प्रबंधन का लोकतांत्रिकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विद्यालय शिक्षा समिति से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपने अनुभव बांटे। परिधि के निदेशक उदय ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि गांव गरीब वंचित का एकमात्र सहारा सरकारी स्कूल ही है। सरकारी स्कूल को बचाना और मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। विद्यालय शिक्षा समिति को मजबूत और सक्रिय बनाकर हम जेंडर जस्टिस और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं। ये कार्यक्रम है विद्यालय प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाने का। सरकार ने जो RTE एक्ट है केंद्र सरकार का, बिहार सरकार ने उसमें जो रूल बनाया है, तो SMC का नाम यहाँ पर VSS दिया गया है, विद्यालय शिक्षा समिति, जिसमें 50% महिलाएं हैं और उन महिलाओं में SC ST OBC EBC सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। अगर ये विद्यालय शिक्षा समिति ठीक से काम करने लगे, मजबूत हो जाए, तो दो चीज़ें होगी। एक तो जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगा और जो जेंडर जस्टिस है वो पूरा होगा। आप देख रहे हैं कि नौकरी में 50% आरक्षण हो रहा है, तो ये जो कदम है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने का है। और दूसरा कि जो सरकारी स्कूल है, गरीब गुरुओं का यही एक आधार है, तो गांव के लोग, गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल मजबूत हो। अगर ये सरकारी स्कूल मजबूत नहीं होगा तो निजी स्कूल मजबूत होंगे, तो गांव गुरुआ में जो रहने वाले लोग हैं, गरीब गुरुआ हैं, तो उनको शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। तो इस स्कूल को भी मजबूत करना है और लोकतांत्रिकरण करना है विद्यालय प्रबंधन। जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रक को पीछे से जा ठोका, जिसके स्कॉर्पियो चालक घायल हो गया। वहीं आगे बैठे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देर रात करीब 1 बजे की है। जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से पटना आ रहे स्कॉर्पियो ट्रक से जा टकराई। मृतक की पहचान पटना सिटी के नया टोला जमुना पार के द्वारका प्रसाद सिंह के 37 वर्षीय मंझले पुत्र जयप्रकाश कुमार के रूप में हुई है। मृतक विवाहित थे, अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्री और एक 8 वर्षीय पुत्र को छोड़ गए हैं। मृतक जयप्रकाश SPD मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में एक्सिक्यूटिव पद पर कार्यरत थे। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक स्कॉर्पियो गाड़ी से मोबाइल डिलीवरी देने के लिए पटना से भागलपुर जिले के पीरपैंती जा रहे थे। तभी जिले के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के पलगांव के पास आगे चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर हो
हो गई, जिससे जयप्रकाश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मृतक के परिजन का फर्द बयान दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सूचना मिला, मेरे सूचना मिला, वही कॉल आया कंपनी की तरफ से कि आपका भाई साहब का एक एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप जाना चाह रहे हैं? तो हम पूछे कहाँ पे, तो बोले कि भागलपुर पल गाँव में। तो उनसे पूछे कि क्या स्थिति है, तो डायरेक्ट बोले कि बता नहीं सकते हैं। तो हम भी घर में बोले सबको, सबको बेचैनी हो गया। फिर कंपनी का बैक कॉल किए हम कि क्या कैसे जाना होगा, तो हम प्रोवाइड करवाते हैं गाड़ी। तो वहाँ से वही सब फैमिली के लोग यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे घटी थी, कब कब ले ली? पहल गांव में घटी थी, वही 1:30 बजे करीब में। किस चीज़ से थे ये आपके भाई? फोर व्हीलर कंपनी के थ्रू थे, डिलीवरी देने के लिए आए थे। और क्या चीज़ में कार्य थे? मोबाइल था, मोबाइल कम मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल उबाइल सब थाना में है। क्या नाम था आपके भाई का? जयप्रकाश उर्फ टिंकू कुमार। कहाँ के आप लोग रहने वाले? पटना, पटना सिटी, पटना सिटी के। हाँ, थाना मालसलामी, थाना मालसलामी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार। मृतक कौन लगते थे? मृतक मेरे बड़े भाई मंझले भाई लगते हैं।